मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या बोहरा संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? क्या सिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? क्या अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? अगर इन संप्रदाय, खास करके मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली ये जो संप्रदाय है, इनमें अगर लोगों की संख्या कम है, तो क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? 1947 में जब भारत की आजादी होती है और पाकिस्तान जाने वाले जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने जो जमीन वक्त को दान की थी, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वक्त एक तरीके से लूट तंत्र का अड्डा बन चुका था। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जमीने कब्जा करोगे गैर मुस्लिम का, जब गांव के गांव कब्जा करोगे गैर मुस्लिम का, तो गैर मुस्लिम नहीं होगा तो कैसे न्याय प्राप्ति होगी? मुस्लिम माताओं बहनों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने संप्रदाय से आने वाले जो महत्वपूर्ण विषय है, उन विषयों पे कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल समित जी, ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, परंतु अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात अगर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर दे, तो इनको हम सांप्रदायिक नजर आते हैं। देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हैं, मैं सीना ठोक के कहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, देश भर में एक बार जो भी वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 में बदलाव हुए हैं, उसको लेकर के कई जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विपक्ष की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, राजद हो और भी तमाम जो लोग हैं, वो इसके ऊपर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़ रहे हैं, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति है, बांग्लादेश में उथल पुथल के बीच में हमारे देश में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 को बदलने के लिए या फिर उसमें कुछ संशोधन करने की जो बात कही जा रही है, उसको लेकर के भारी विरोध देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश की स्थिति और भारत की स्थिति, ये दोनों ही स्थितियां कहीं ना कहीं अलग है और इन दोनों का एक दूसरे के साथ और एक ही प्रश्न में प्रश्न करना, इन दोनों को जोड़ के मुझे लगता है कि गलत है। अभी वक्फ बोर्ड की बात हो रही थी तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 2015 से इस विषय पे कहीं ना कहीं बातचीत चल रही थी विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, कश्मीर से लेकर के लखनऊ तक इन विषयों पे गोष्ठियों का आयोजन किया गया था, इस्लामिक स्कॉलर्स को बैठाया गया था और उन लोगों ने इन विषयों पे बातचीत की। उसके बाद आज जा करके 2024 में ये प्रावधान निकल करके आता है, ये कानून बनता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या बोहरा संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? क्या सिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? क्या अहमदिया संप्रदाय से आने वाले लोग मुसलमान नहीं है क्या? अगर इन संप्रदाय, खास करके मुस्लिम संप्रदाय के अंतर्गत आने वाली ये जो संप्रदाय है, इनमें अगर लोगों की संख्या कम है, तो क्या ये भारत के नागरिक नहीं है क्या? इनके भी तो हितों को का ख्याल रखना पड़ेगा ना आपको कहीं ना कहीं। मतलब अब तक इनके हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा था? मुझे नहीं लगता है कि ये वक्त बोर्ड के माध्यम से और वक्त बोर्ड में इस तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं स्थान नहीं प्राप्त था, तभी तो ये लोग आवाज उठा रहे थे, तभी तो इन लोगों ने आवाज उठाई, एक लंबी लड़ाई लड़ी और जिसका परिणाम निकल करके आया। तो अभी तो काफी लोग आवाज उठा रहे हैं ना। 1947 में जब भारत की आजादी होती है और पाकिस्तान जाने वाले जो मुस्लिम्स थे, उन लोगों ने जो जमीन वक्त को दान की थी, उसके बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि वक्त एक तरीके से लूट तंत्र का अड्डा बन चुका था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वक्त अधिनियम 1995 में संशोधन बिल पास होने के बाद वक्त बोर्ड किसी भी संपत्ति को अपना नहीं बता सकेगा। अभी वक्त के पास किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, अर्थात वक्त कहीं पर भी जाकर के किसी भी संपत्ति को अपनी घोषित कर देता था और अन्य लोगों को यह प्रूफ करना पड़ता था कि वो संपत्ति जो है वो वक्त की नहीं है। ये भी अपने आप में कितनी विषम परिस्थिति थी, इस पर भी तो सोचना होगा। वो भी वक्फ के ट्रिब्यूनल के पास ही अधिकार था इस पर अंतिम फैसला। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको लेकिन सुमित जी, सवाल ये है कि इसमें गैर मुस्लिम लोगों को भी अब सम्मिलित किया जा रहा है। देखिए, महिलाओं की बात तो ठीक है,
समझ में आती है, लेकिन जो गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ में जगह दी जा रही है इसको लेकर के कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले तक तो ऐसा ही था ना कि मुस्लिम संप्रदाय का जो है होना चाहिए एक सांसद और मुस्लिम संप्रदाय के ही अधिकारी होने चाहिए, लेकिन अब तीन सांसद होंगे और वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पुनः एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जब जमीनें कब्जा करोगे गैर मुस्लिम का, जब गांव के गांव कब्जा करोगे गैर मुस्लिम का, तो गैर मुस्लिम नहीं होगा तो कैसे न्याय प्राप्ति होगी? और ये कोई धार्मिक संस्था तो है नहीं, ये कोई मस्जिद तो है नहीं ना, ये आप किसी धर्म विशेष के अंतर्गत आने वाली चीजों में तो हस्तक्षेप है नहीं, ये हस्तक्षेप है एक बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड जिसने लूट तंत्र को स्थापित कर दिया था, जो कहीं ना कहीं जमीन की दलाली में लिप्त था। आप देखेंगे कि बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी, मुस्लिम बुद्धिजीवी महिलाएं सिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे, तो क्या मुस्लिम माताओं बहनों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो अपने संप्रदाय से आने वाले जो महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों पे कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल समित जी, ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिए, मगर मेरा सवाल अभी वही जा रहा है कि अगर इसमें गैर मुस्लिम आ जाएंगे तो अब तक जो धारा बहती थी फिर तो उल्टी धारा बहनी शुरू हो जाएगी ना। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, ये जो धारा बह रही थी इस धारा ने कितने गैर मुस्लिम्स को समाहित किया था ये भी तो बता देना, कितने क्रिश्चियंस की जमीनों को हड़पा था, कितने हिंदुओं की जमीनों को हड़पा था। ये जब किसी जमीन पे दावा ठोकते थे तो उस समय ये थोड़े ना देखते थे कि ये मुस्लिम की जमीन पे दावा ठोक रहे हैं कि हिंदू की जमीन पे दावा ठोक रहे हैं। इससे नुकसान सभी जाति से आने वाले, सभी संप्रदाय से आने वाले लोगों को था, चाहे वो दक्षिण भारत की बात हो चाहे उत्तर भारत की बात हो। एक बड़े राज्य से भी ज्यादा जमीनें इन लोगों ने हथियार करके रखी थी, तो देश में, और देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा भूमि अगर किसी और, के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास ही है। देखिए आपकी जो जानकारी है मैं थोड़ी उसमें और बढ़ाना चाहूंगा, सच्चर कमेटी ने बताया, सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में बताया गया कि वक्फ बोर्ड एक साल में 163 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, जबकि इसको सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन क्या 12,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है और बताया 163 करोड़ जाता है, अर्थात कहीं ना कहीं ये 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला कहाँ होता है, ये भी तो देखने की बात है। क्या नहीं तो ये क्या ये, किसी ये, आप ये, पूरी बात सुनेंगे आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, मेरा ये सवाल है कि ये जो 12,000 करोड़ रुपए का आप आंकड़ा दे रहे हैं ये किस आधार पर है? 12,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा दे रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। इसके अलावा एक और रिपोर्ट में आप जेपीसी की बात कर रहे थे, तो जेपीसी की बात होती है, मैं जेपीसी पर आता हूँ। जेपीसी की अध्यक्षता रहमान खान जी के नेतृत्व में हुई थी, ये रहमान खान कौन है, क्या ये मुसलमान नहीं है क्या, ये भी तो बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं है, मैन पावर अपर्याप्त है और फंड बहुत ज्यादा कम है, और कहा गया कि वक्फ बोर्ड का सारा ध्यान जमीनों को कहीं ना कहीं हड़पने और उन लोगों को परेशान करने में है। तो इस पर भी तो बात होनी चाहिए ना, ये रिपोर्ट किसने जारी की, इसके लिए मांग किन लोगों ने की, और कहीं ना कहीं इसके भुक्तभोगी कौन थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। नहीं तो जेपीसी में तो मामला अभी गया है ना, जब तक जेपीसी इसको क्लियर नहीं करता है तब तक आप लोग भी क्या ही कर पाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट मेरे पास प्रस्तुत है, इसमें जेपीसी के अध्यक्ष रहमान खान की रिपोर्ट है, ये भी देखने की बात है। और इसके अलावा मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से कि अगर कोई धर्म विशेष से आने वाले जो लोग हैं उसके अंतर्गत जो कुछ भी संप्रदाय से, बहुत सारे संप्रदाय के लोग होते हैं, क्या उन संप्रदाय के हितों की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश सबका है, तो जब देश सबका है, ये कहते हैं ना ये इंडिया अलायंस के लोग की देश सबका है, तो जब देश सबका है तो बोहरा संप्रदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों, अहमदिया संप्रदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों, सिया संप्रदाय के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों, मुस्लिम बहनों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? नहीं सुमित जी, सवाल मेरा ये भी खड़ा होता है कि देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है 10 सीटों पर,
उसके अलावा झारखंड में बात करें, बिहार में भी अगले साल चुनाव है, तो मतलब क्या लगता है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदू मुस्लिम करने की आप लोगों की जो पुरानी आदत रही है उसको आप लोग फिर से बढ़ावा दे रहे हैं इस माध्यम से? देखिए, ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, ये कांग्रेस प्रायोजित एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर कुछ पार्टियां जो कि देश में हैं, खास करके कांग्रेस की बात करता हूं, जो सिर्फ एक धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए और कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तुष्टिकरण की राजनीति जो लोग करते हैं, वो अपने आप को बताते हैं कि वो सांप्रदायिक नहीं है, परंतु अगर 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदुओं के हितों की रक्षा की बात अगर एक बार भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कर दे तो इनको हम सांप्रदायिक नजर आते हैं। देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू हैं, मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि उनके धार्मिक हितों की रक्षा करना और कहीं ना कहीं उनके धार्मिक हितों पर अगर कोई आघात करेगा तो ऐसे लोगों को जवाब देना हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है। नहीं, नहीं, लेकिन सुमित जी, परिवर्तन ठीक है, मगर जो समय है, बात समय को देखिए, क्योंकि चुनाव है, चुनाव से पहले कई स्टंट किए जाते हैं, कोई नई बात नहीं रही है आप लोगों की, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या देखते हैं? देखिए, जिनको ये स्टंट लगता हो उनको मुबारक, उनकी सोच, लेकिन हमने जो काम किया है ये देश के लिए किया है, देश की रक्षा के लिए किया है। ये जमीनों की जो लोग दलाली कर रहे थे, अवैध तरीके से जमीनों में और गांव के गांव लूटने का काम कर रहे थे, इससे बचाने के लिए किया है, मुस्लिम माताओं बहनों के हितों की रक्षा करने के लिए किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में ट्रिपल तलाक किन देशों में लागू है? लेकिन भारत में लागू था, भारत में लागू था, वही पूछ रहा, वही बोल रहा हूँ। तो इस्लाम के अनुसार जो नियमावली बनती है जिसमें ट्रिपल तलाक जो है वो हराम है, उसको लागू करवाने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की न्यायपालिका ने किया, तो इसके लिए तो पीठ किसकी थपथपानी जानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी की। तो इसका क्रेडिट ये लोग नहीं देंगे, लेकिन इनको कौन से लोग पसंद है? इनको भारतीय मुसलमान नहीं पसंद है। आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, उनकी मानसिकता को गुलाम बना करके रखना चाहते हैं राहुल गांधी जैसे लोग, और एक बड़े वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं। इनको पसंद है कसाब, इनको पसंद है अफजल गुरु, इनको पसंद है भटकल जैसे लोग, तो इनको आतंकी मानसिकता के लोग पसंद है। इनकी वकालत करने के लिए सलमान खुर्शीद और ऐसे लोग पहुंच जाते हैं। मैं आ रहा था, उनका भी जो बयान आया उसको आप कैसे देखते हैं सुमित जी? देखिए, सलमान खुर्शीद, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कांग्रेस के छुटभैया नेताओं में से एक है, क्योंकि पढ़ा लिखा अगर कोई नेता होता और देश की एकता एकजुटता की अगर कोई बात करता तो कभी भी वो इस तरीके की घटिया और निम्नतम बयान नहीं देता। उनका परिवार, पूरा का पूरा परिवार, एक मैं बार बार कहता हूं कि मदरसा छाप, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ लोगों को बुरा लगता होगा समझ जी, लेकिन मैं क्यों बोलता हूं, ये इसी प्रकार के लोग हैं जिन लोगों ने मदरसों को बदनाम करके रखा हुआ है। सलमान खुर्शीद की बेटी ने क्या कहा था, वोट जिहाद। जिहाद कहां होता है? बाबर ने जब युद्ध किया और बाबर ने भारत के विरुद्ध जब हमला किया तो उसने जिहाद का नारा दिया। जिहाद अर्थात हिंदुओं के धार्मिक संसाधनों को तोड़ने का काम करना, देश के संसाधनों को लूटना। तो ये बार बार जिहाद की बात करते हैं, कभी यूपीएससी जिहाद की बात करते हैं, कभी वोट जिहाद की बात करते हैं, कभी किसी तरीके के जिहाद की बात करते हैं। सुमित जी, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस पर दिखा, फिर उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी का स्टैंड भी नजर आया, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी फिलहाल क्या बातचीत कर रही है? देखिये, जो देश के लिए बात करता है ना, जो देश के लिए सोचता है ना, जिसके लिए धर्म से बड़ा देश है, वो कभी भी इन विषयों पे एकजुट रहते हैं। और एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है, एकजुट है, बिल्कुल एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। और राहुल गांधी के जो ये तथाकथित कलाकार जो घूमते रहते हैं, आए दिन अनर्गल बयानबाजी करते हैं, देश को तोड़ने वाली जो बातें करते हैं, उनको याद रखना चाहिए कि उनकी नस्लों को भी भारत में ही रहना है। तो जो लोग देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम करेंगे, नस्लें याद रखेंगे उनकी, जो भारत की सरकार जो सबक उन्हें सिखाएगी। चलिए, तो भारत की सरकार सबक सिखाएगी, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। दरअसल ये निशान इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि वक्फ को गोल्ड अधिनियम 1995 में
किए गए जो बदलाव हैं या फिर उस बदलाव को लेकर के जो बिल प्रस्तावित है उसको लेकर के अभी जो तमाम चर्चाएं हैं वो जॉइंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की उसमें फिलहाल अभी गई हुई है और ऐसे में क्या होगा पूरी जानकारी दिखाएंगे आपको। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।